शुरू करते हैं गाइस हमारा मॉडर्न टाइटल एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और जिसके लिए हम आज एक्सप्रेशन के थ्रू एक अमेजिंग बैकग्राउंड मोशन ग्राफिक्स भी जनरेट करेंगे। सो ये ट्यूटोरियल आपके लिए एक्सप्रेशन भी बहुत इजीली वर्कआउट करेगा और आपका आउटपुट जो निकलेगा बहुत ही आई कैचिंग एंड एंगेजिंग रहेगा। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, मतलब क्रिएट किया हुआ है मेरी कंपोजिशन के अंदर। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, इस रेक्टेंगल को यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मेरा मेन शेप करके। तो ये मेरा यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल शेप के अंदर जाना है और यहाँ पे मुझे इसके अंदर रिपीटर क्रिएट करना है। तो मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे रिपीटर। अब इस रिपीटर की जो वैल्यू है यहाँ पे कॉपी से नंबर ऑफ कॉपीज में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 10। तो ये मैंने नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसको सबसे पहले सेट करना है यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसका मैं पोजीशन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे पोजीशन जो मेरे को रखना है वो मैं यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाऊंगा कुछ इस। अभी के लिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं एज इट इज रखते हैं, अभी चेंज नहीं करते हैं इसको यहाँ पे। और पोजीशन का की मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक इफेक्ट जनरेट करना है जो मुझे फील कराए एक सिलिंड्रिकल ओवल शेप का, हाफ सिलिंड्रिकल शेप का, प्लस इसके साइज में भी डिफरेंस लेके आए, जो रिपीटर है उसके साइज में भी बेटर तरीके से एक अच्छा खासा डिफरेंस लेके आए। तो इसके लिए आप यहाँ पे रिपीटर का स्केल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट इसको एनिमेट करना थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। जैसे यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्म रिपीटर का ऑप्शन है और अगर मैं यहाँ पे स्केल यूज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो ब्यूटीफुल तरीके से ये काम करेगा आपके लिए। तो ये एक तरीका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि जैसे अगर मैं साथ में इसका पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट करने जा रहा हूं तो ये होगा क्या, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एनिमेट होते हुए दिख रहा है। बराबर है मेरा पोजीशन, मतलब ये स्टार्ट टू एंड जा रहा है। तो मुझे जो यहाँ पे क्या चाहिए कि जब ये स्टार्टिंग हो रहा है ना, कि अगर मैं इसका स्केल यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ तो एक प्रॉपर इफेक्ट मुझे जो चाहिए जो इसके थ्रू मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और मुझे कीज ज्यादा लगाने पड़ेंगे। सो मैं आज आपको एक अच्छा तरीका दिखाने वाला हूँ जिसके लिए हम ग्रेडियंट को यूज करने वाले हैं, और उसके लिए मैंने एक अमेजिंग ट्यूटोरियल भी बना के रखा है जिसका लिंक मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं कि जिसमें आप ग्रेडियंट के थ्रू अपने टेक्स्ट को या अपने शेप को अच्छे खासे तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल भी जाके जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा बीजी है अभी, इस लेयर को हम लोग हाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए। इस बीजी के ऊपर मैं इफेक्ट में जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहां मैं इफेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे जनरेट में जा रहा हूँ। यहां से मैं अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेडियंट रैंप। तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट रैंप अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट के अंदर जो रैंप शेप है वो मुझे लीनियर रैंप की जगह पे कन्वर्ट करना है, चूज करना है रेडियल रैंप में। तो ये हमने यहाँ पे चूज कर लिया। लेयर को यहाँ पे रिवील करते ताकि आपको समझ में आए। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन करनी है। सो मैंने मेरे ट्रायल एंड एरर के हिसाब से मेरी वैल्यूज चूज करके रखी हुई है। आप अपने हिसाब से अपना वैल्यू चूज कर सकते हो अपनी कंपोजिशन साइज या फिर अपने एनिमेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट ऑफ रैंप है मेरी ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट में, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स का वैल्यू मैं अप्लाई कर रहा हूँ 963 और वाई का वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 539। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जो मेरा एंड ऑफ रैंप है ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट में, वहां पे मैं एक्स का वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ 1754 और मैं यहाँ पे वाई का वैल्यू जो है वो अप्लाई करने वाला हूँ 1912। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, और इसका इफेक्ट क्या होने वाला वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो है ये मेरा शेप लेयर है उसको अभी यहाँ पे हम विजिबल करते हैं, और मैं इसका स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करता हूँ। और क्या करेंगे इसके स्केल प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे नहीं, हमें जो स्केल प्रॉपर्टी यूज करना है कौन सा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिपीटर यूज किया है। तो कंटेंट में चलते हैं, रिपीटर में जाएंगे, और रिपीटर जो ट्रांसफॉर्म रिपीटर वाला ऑप्शन है वहां पे आपका जो स्केल प्रॉपर्टी दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्या करना है, ऑल्ट करके स्टॉपवॉच के ऊपर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं ये एक्सप्रेशन है मेरे पास उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। इसी एक्सप्रेशन का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। अभी एक्सप्रेशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है कि ये हमारे ग्रेडियंट के बेस के ऊपर काम करता है कि जहां जहां जितना ब्लैक की तरफ जाता जाएगा हमारे शेप उतना उसका साइज छोटा होता हुआ जाएगा, और जितना ब्लैक से दूर जाता जाएगा उतना, मतलब व्हाइट की तरफ जाता जाएगा उतना उसका स्केल अपना एक्चुअल साइज रिटेन करते हुए जाएगा। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है अभी, और अब क्या करेंगे हम इस एक्सप्रेशन की जगह पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अभी थोड़ा चेंज आपको और करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, इतना एरिया जो है
ये आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको फिर क्या करना है, इसको जो स्केल का जो आपके पास यहाँ पे पिकवी पे उसको ड्रैग करके जो आपका बीजी है उसके साथ जिसके ऊपर हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है उसके साथ आपको क्या कर देना है, पेरेंट कर देना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेरेंट करके आप अप्लाई कर दोगे तो आपका स्केल अभी आप देखो यहाँ पे कैसे सर्कल मतलब साइज जहां पे ब्लैक है वहां पे साइज छोटा हो गया, जहां व्हाइट की तरफ जा रहा है वहां पे स्केल उसका क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए जा रहा है। तो अब क्या होगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो अगर मैं वापस यहाँ पे मेरा बीजी सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके ताकि आपको समझ में आए, ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, अब अगर इसका जो मैं स्टार्ट पॉइंट अगर चेंज करता हूं तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती हुई दिखेगी। अंडू करता हूं, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे नीचे जो उसका ये वाला पॉइंट है अगर मैं इसको भी चेंज करता हूं तो आप देखोगे इसकी वैल्यू भी क्या होती हुई दिख रहा है आपको, ये छोटा या बड़ा हो रहा है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ नीचे और आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। देखो ग्रेडियंट का वैल्यूज कैसे वो चेंज कर रहा है यहाँ पे, तो आप इसके थ्रू भी एनिमेशन बेटर तरीके से क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको अंडू कर देता हूँ, जो मैंने एग्जैक्टली वैल्यू अप्लाई करके रखी हुई थी वही वैल्यू पे मैं यहाँ पे स्टिक रहता हूँ क्योंकि मुझे वही चाहिए, अब हमें बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है तो हम इसको हाइड कर देते हैं। हमारा बैकग्राउंड लेयर हमारे लिए काम का है बट विजिबिलिटी उसकी जरूरी नहीं है हमारे कॉम के अंदर। तो ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका पोजीशन मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ लूंगा, ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे मैं इसका पोजीशन अभी के लिए सेट कर रहा हूँ कुछ इस जगह पे, जो मेरा 1.2 का वैल्यू मैं दे रहा हूँ इसको, 1.2 यहाँ पे पिक्सल जो है तो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब एट दी एंड मतलब यहाँ पे भी हम जा रहे हैं, यहाँ पे भी की दे देते हैं और ये जो पोजीशन का की वहीं पे 1.2 ही रहेगा, और यहाँ पे जो पोजीशन का की मुझे देना है वो कहाँ पे रहेगा, मेरा सेंटर पे रहेगा यहाँ पे। तो एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो सिलेक्ट किया हो तो ये सेंटर और यहाँ पे कंपोजिशन के सेंटर में रहेगा। अब इस चीज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, F9 प्रेस करते हैं और करते हैं इजी, इसमें कन्वर्ट करते हैं हमारी चीज को। उसके बाद चलते हैं ग्राफ एडिटर में और ये जो ग्राफ एडिटर है वो है मेरा स्पीड ग्राफ। तो यहाँ पे अगर आपको सेम ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप अपना स्पीड ग्राफ चूज कर सकते हो, एडिट स्पीड ग्राफ। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देता हूं, तो ये मेरा ग्राफ कुछ हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे एक दूसरा एनिमेशन भी इसके साथ करना है, तो इसका मैं स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन कर रहा हूं और स्टार्टिंग में इसका स्केल वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ गाइस, और ऑलमोस्ट ऑन द सेकंड जो हमारा है 2 सेकंड के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू वापस से 100 कर देंगे। ओके, तो ये मेरा वैल्यू कुछ इस हिसाब से यहाँ पे जनरेट हो रहा है बेटर तरीके से और ये यहाँ पे जाते हुए दिखेगा आपको, आगे का एनिमेशन ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको भी क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लें इन कीज को, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे चलते हैं ग्राफ एडिटर में, इसको भी सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, हमारा स्केल का ग्राफ भी कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। तो भाई ये यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करना है। अब इसका जो पोजीशन है यहाँ पे एंड पे, मुझे पोजीशन एंड पे चेंज करना है, तो जो वाई का वैल्यू है ना वहां पे मैं कर रहा हूँ 420, मतलब मैंने ऑलमोस्ट माइनस कितना किया, 120 माइनस किया यहाँ पे। सेम अभी इसका भी क्या करूंगा, मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसका भी पोजीशन ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ इसका वैल्यू 300, तो ये भी क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ जा रहे। सेम इसका एक और डुप्लीकेट कॉपी और इसका पोजीशन ओपन करेंगे, मैं एंड की पे पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे मेरा पोजीशन सेम टू सेम है सेंटर ऑफ द कंपोजिशन, तो ये मिस्टेक मत करना है वरना जो इफेक्ट मैंने क्रिएट करना है एंड में आपको दिखेगा भी वो आपको समझ में नहीं आएगा। यहां से 120 माइनस करना है तो यहां से मतलब 200 और उसमें से और 20 माइनस करो मतलब होगा आपका 180, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 180 का वैल्यू, तो ये भी हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ है। सेम एक और शेप इसका डुप्लीकेट करेंगे और इसका पोजिशन चेंज करेंगे हम, इसको देंगे हमारा 120 पिक्सल्स रहेगा यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर, तो आप देख रहे हो बहुत ही बेटर, सॉरी नॉट वी हैव टू 60 रहेगा यहाँ पे। ओके डन, तो देखो ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये पांचों लेयर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट एंड सी करके इसका प्रीकॉम्प कर देना है यहाँ पे, और आपको नाम दे दो यहाँ पे मेन एनिमे, तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और इसको मैं ओके कर देता हूँ गाइस। तो ये मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस मेन एनिमे का मैं एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और मैं इसको क्या कर देता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये कुछ हिसाब से हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम लोग गाइस, आप चाहो तो इसका ही एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर लो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दोनों का डुप्लीकेट जो अभी जनरेट किया। अब राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ फ्लिप वर्टिकल, तो भाई कुछ इस हिसाब से मेरा शेप यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अगर इसको मैं मूव करके दिखाऊं तो हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड मोशन
ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, पहली चीज तो ये है कि मुझे ये दोनों जो शेप है मैं हाइड करके देख लेता हूँ पहले। हाँ तो भाई ये अपर वाले हैं, तो इन दोनों के मैं लेबल यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ऑरेंज करता हूं और इन दोनों के लेबल में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको करता हूं येलो, ताकि अगर आपकी जगह पे कोई और भी काम करे तो उसको पता चले भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे मेरा टाइटल एनिमेशन मतलब टाइटल रिवील करना है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं मॉडर्न और नीचे में टाइप कर रहा हूं टाइटल एनिमेशन। तो ये हमारा मॉडर्न टाइटल एनिमेशन का हमने टाइटल और टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लिया। सबसे पहले तो इसको अलाइन करते हैं कंपोजिशन के सेंटर के अंदर, एंकर पॉइंट भी मैं इसका क्या कर रहा हूँ सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे हो चुका है, एक बार वापस चेक कर लो कि भाई ये प्रॉपर अलाइन है। हाँ भाई ये प्रॉपर अलाइन है। अब मुझे इसको एनिमेट करना है गाइस, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका स्केल हमारे टाइटल का स्केल और ओपेसिटी वाला प्रॉपर्टी लेयर का हम ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं की अप्लाई कर देते हैं। अब एंड वाले पे जाएंगे और सेम यहाँ पे क्या कर देते हैं स्केल और ओपेसिटी की के ऊपर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम की फ्रेम अप्लाई कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओपेसिटी का वैल्यू 0 चाहिए और स्केल का वैल्यू मैं 20 कर रहा हूँ, 0 नहीं कर रहा हूं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि अभी ओपेसिटी जो है वो स्टार्टिंग में रिवील हो जाएगा ऑलमोस्ट 2 सेकेंड के ऊपर या फिर हम 3 सेकेंड यहाँ पे रखते हैं कुछ इस जगह पे, और जो ओपेसिटी वाला लास्ट की है जहां पे हमने 100% वैल्यू देके रखा है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब इन सारी कीज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और इनके टेंजेंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ग्राफ को हम एडिट कर देंगे। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है गाइस। अब अगर यहाँ पे आपको दिखा दो, चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इन चारों को आप सिलेक्ट कर सकते हो, न्यू करो और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर लेते हैं हम लोग। और क्या करता हूं मैं इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके एक बार नल से पेरेंट करता हूँ यहाँ पे। रीजन इज दैट मुझे चाहिए कि थोड़ा ये स्केल अप हो जाए, तो मैं इसको स्केल करता हूँ यहाँ पे हल्का सा। मुझे क्या करना है स्केल, सॉरी कंट्रोल जेड इंडिविजुअली करना पड़ेगा, जहां पे माइनस वाले वैल्यूज है उनको इंडिविजुअली स्केल करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो इसको थोड़ा यहाँ पे ओके इट्स गेटिंग वियर्ड, तो आपको पूरा प्रीकॉम करके उसको सेव करना स्केल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड सी और मैं फाइनल एनिमे कॉम्प मेरा बनेगा और इसको मैं क्या करता हूँ हल्का सा स्केल कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। तो हाँ ये थोड़ा मुझे बेटर लगेगा, यस इट्स लुक बेटर। तो अब क्या करना है, अभी हमारा एनिमेशन फाइनल एनिमेशन प्ले करना है, बट उससे पहले गाइस ऑलवेज मैं आपके लिए अमेजिंग आइडियाज लेके आता हूँ, जिसके लिए ना आपको किसी एक्सटर्नल प्लगइन्स या टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ती है, और आराम से जिसका लो एंड पीसी हो हाई एंड पीसी हो वो भी ये बंदा आराम से जनरेट कर सकता है और अच्छे खासे पैसे कमा सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हुए, या फिर अगर कोई एम्प्लॉई है तो अच्छी खासी वाहवाही कमा सकता है अपने, या अच्छा खासा एप्रिसिएशन ले सकता है अपने सीनियर्स के थ्रू। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे चैनल के ऊपर। तो अब देख रहे हैं हमारा फाइनल आउटपुट गाइस। So, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा क्या हो रहा है, मॉडर्न टाइटल एनिमेशन जनरेट हो रहा है और हमारा बैकग्राउंड मोशन ग्राफिक्स भी बहुत अमेजिंग तरीके से जनरेट हुआ है। सो अगेन मेंशनिंग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।